हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो स्क्रीन पे दिख रहा डिज़ाइन आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पेपर को 1/4 कर लिया है। फ्रेंड्स, स्टिचिंग करना आसान है, बस एक बार पेपर पे पैटर्न्स हमें आना चाहिए तो हम फिर बना सकते हैं उसे। और ऊपर से मैंने यहाँ पर स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शोल्डर ले लिए हैं 6 इंच। आर्म होल हमें मार्किंग कर लेना है 6 इंच पे, और दोनों लाइन को मैं इस तरह से मैच कर लूँगी। अब जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट मार्क कर लेना है, और 1.5 इंच का मार्जिन। आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पे ड्रॉ कर लेनी है, और इस तरह से मैं डॉट डॉट करते हुए आर्म होल की गोलाई देती जाऊँगी। ऊपर साइड से भी हमें 1/2 इंच पर इस तरह से शोल्डर लाइन को मिला देना है। अब नेक विड्थ ले लेनी है हमें 3 इंच पे। नेक की लेंथ ले लेंगे हम 1.5 इंच पे, और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद नीचे हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है, और इस तरह से स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे की विड्थ हम लेंगे 4 इंच पे। टोटल लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंच पे। आप आपके अकॉर्डिंग और भी डीप बना सकते हैं। और इस तरह से हमें एक बॉक्स और बना लेना है। अब दूसरे वाले बॉक्स की लेंथ में हमें इस तरह से 2.5 इंच पे 2 मार्क कर लेना है। दोनों मार्क मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, और नीचे वाला जो हमारा राउंड है इस तरह से शेप बना लेना है। उसके बाद हमें ऊपर वाली मार्किंग से इस तरह से एक पत्ती का शेप बनाना है, और पत्ती का शेप 2.5 इंच तक जाएगा सबसे पहले, और जो दूसरा वाला शेप है नीचे वाले राउंड शेप में हमें इस तरह से उसे जॉइन कर लेना है। और जितना भी आप चाहे उसे उतना शेप और दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक शेप ही ड्रॉ किया है। और ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें हमें सर्कल मार्क कर लेना है, इस तरह से बोट नेक का शेप। ऊपर से हमें यहाँ पे इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेने हैं 1/2 से 1/2 इंच। वेस्ट और 4th मार्क दोनों मार्क कर लेना है नीचे से, और इस तरह से साइड वाली लाइंस को भी जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बॉटनेक वाला शेप कट कर लेना है, उसके बाद नीचे शोल्डर डाउन कट कर लेना है। आर्म होल जो हमने नया क्रिएट किया था उसे कट कर लेना है। साइड फिटिंग से भी हमें इस तरह से कट करते जाना है, और जो अब हमने शेप बनाया है हम उसे कट करेंगे। तो शेप को बहुत ही ध्यान से कट करना है। जितना कंफर्टेबल होके आप लोग शेप कट कर सकते हैं उतना ही कंफर्टेबल होके शेप कट करते जाना है। अगर डायरेक्ट फैब्रिक पे कर रहे हैं तो आप पहले प्लीज़ पिन वगैरह का यूज़ करिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पैटर्न्स ही बनाती हूँ। अब मैं यहाँ पर इस तरह से पैटर्न ओपन करके दिखाऊँगी, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। आपको इसका शेप थोड़ा बहुत और चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो आज का वीडियो और डिज़ाइन हमारा बनके तैयार है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।